अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान की बॉलिंग आज तो छा गई, सबके सब बॉलर्स ने बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया और क्या कमाल की बॉलिंग की है। वेरिएशंस का इस्तेमाल किया, खासतौर पर मोहम्मद आमिर ने जो 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और क्या कमाल की बॉलिंग उन्होंने की है। तीसरा डेब्यू भी मान लें उनका, इतनी बार वो कमबैक कर चुके हैं और जब भी कमबैक वो करते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग वो करते हैं। 4-7 बार वो खेले और कितनी इंप्रेसिव उनकी बॉलिंग थी। शाहीन शाफरीदी ने भी पेस ऑफ डिलीवरीज का यहाँ इस्तेमाल किया और विकेट्स ली यहाँ पर। या बॉल को मदद ना मिल रही हो तो फिर इसी तरह वेरिएशंस का इस्तेमाल करना होता है और बहुत ही खूब इस्तेमाल किया। अबरार अहमद जो डेब्यू पे थे उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स ली हैं। सब बॉलर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, नसीम शाह ने भी आखिर में विकेट्स ली। शदाब खान की बॉलिंग अच्छी रही। सबसे अच्छी बात यह रही बाबर आजम की, आज कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, जो उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए। इफ्तिखार का वहाँ पर इस्तेमाल करना लेफ्ट एंडर के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही आज पाकिस्तान की। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी आखिर में, 7 विकेट्स के साथ वो ये मैच आज का जीत गए हैं। कमाल की परफॉर्मेंस रही आज। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान ने नया रिकॉर्ड बना दिया 3000 रन बनाने का, फास्टेस्ट 79 इनिंग्स के अंदर उन्होंने अचीवमेंट 80 इनिंग्स के अंदर कर दिया या अचीव कर लिया। बहुत कम इनिंग्स के अंदर किया उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने 79 इनिंग्स करके। 81 इनिंग्स में विराट कोहली और बाबर आजम का था, उन्होंने 79 इनिंग्स में ये करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। फास्टेस्ट बन गए हैं 3000 रन बनाने के मामले में। दूसरी तरफ इस कंडीशंस की बात की जाए तो आप कह सकते हैं डैम कंडीशंस थी क्योंकि बारिश हुई हुई थी, विकेट कवर किया हुआ था उन्होंने। लगता तो यही है बैटिंग के लिए अच्छी है, पर कंडीशन ऐसी थी नहीं। बॉल नीचे भी रह रहा था, स्पिन भी हो रहा था यहाँ पर, थोड़ी सी ऊपर से मूवमेंट मिलती है एक एक ओवर में फास्ट बॉलर्स को, उसके बाद नहीं मिल रही थी। वहाँ पर वेरिएशंस का इस्तेमाल यहाँ करना था और वही किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। कैप्टनसी का मैं कहूँगा आज बहुत अच्छी रही है, मज़ा आया आज का मैच देखकर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह कैरी ऑन करते रहना है, इसी तरह की परफॉर्मेंसेज चाहिए। बैटिंग में मैं ये कहूँगा आज नहीं चल पाए उस्मान खान पर, उनको चांसेस देते रहें। मोहम्मद रिजवान ने खेला आज, बाबर आजम भी आज 9 रन बना सके, साइम योग भी जल्दी आउट हो गए थे आज, पर पाकिस्तान ने फिर भी 11-12 ओवर में ये चेस कर लिया। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, बहुत अच्छे मैच देखने को मिला, मज़ा आया आज देखकर। कितने क्राउड का आप देख सकते हैं, कितना अच्छा क्राउड आता है मैच देखने के लिए, रावल पिंडिया क्राउड हमेशा की तरह। अब कल तीसरा मैच खेला जाएगा, देखते हैं कल क्या टीम खेलती है और क्या कॉम्बिनेशंस कल होते हैं। और कल मैं चाहूँगा कि पहले बैटिंग करने ज़्यादा बेहतर है, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें ताकि थोड़ा सा और लंबा हो जाए। न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी समझ ना आ सकी आज पाकिस्तान की वेरिएशंस को, इतने ज़्यादा हर वक्त शॉट्स खेलने की तरफ ही गए, देख ही नहीं पाए कि वो वेरिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 रन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम थोड़ी देर रुक जाएँ, पर नहीं, सारे के सारे अबरार अहमद को वो खेल ही नहीं पाए। बहुत अच्छी अबरार अहमद ने बॉलिंग की आज, मज़ा आया उनकी बॉलिंग देखकर, बहुत अच्छा मैच देखने को मिला है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।